कांग्रेस मुखी बनने तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू की सरगर्म सियासत में वापसी की वकालत कर रहे हरीश रावत के पहले दौरे तो दूरी बना के सिद्धू ने हाल की घड़ी में वक्री सियासत के रस्ते चलन के संकेत दिए हैं। इतने दसना उचित होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह विवाद के कारण मंत्री अहदे तो अस्तीफा देने तो बाद पंजाब कांग्रेस की सियासत में सिद्धू हाशिए से चल रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया से दिखाए गए तेवरों तो सिद्धू वालों आने वाले समय में कांग्रेस को अलविदा आखन के संकेत मिले, पर इस संबंधी सिद्धू ने कभी अपना रुख स्पष्ट नहीं किया। इसी के दौरान कांग्रेस के मुड़ गठन के दौरान सिद्धू को कोई जगह नहीं मिली तो उन्होंने भाजपा या आम आदमी पार्टी के नाल जाण दीआं अटकलां ने फिर जोर फड़िया। नवजोत सिद्धू ने किसान विरोधी बिल के खिलाफ जो शहर में प्रदर्शन किया उस कांग्रेस का ना झंडा और ना कांग्रेस का कोई नारा होने के कारण उन्हों का यह निजी काम से, जदों कि अपने भाषण से प्रेस में दिए बयान में नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा के खिलाफ कोई भी नारेबाजी तक नहीं की थी। हुण चाहे अकाली दल वालों भाजपा का साथ छड्डन तो बाद सिद्धू की शर्त पूरी हो गई है, पर खेती बिलों के विरोध में पैदा हुए माहौल के मद्देनज़र शायद वह भाजपा में जाने का जोखिम नहीं उठाएंगे। इसी के दौरान हरीश रावत की नियुक्ति सिद्धू लई सियासी संजीवनी तो घट नज़र नहीं आ रही, क्योंकि कैप्टन खेमे के नाल संबंधित आशा कुमारी वालों सिद्धू ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, जदों कि रावत पहले ही दिन पार्टी को सिद्धू की लोड़ दस के पंजाब के नाल राष्ट्रीय पद्धर से भी उन्हों का फायदा लैन की गल कह रहे हैं। पर इस सब के बावजूद सिद्धू ने हरीश रावत के पहले दौरे के दौरान खड़खड़कला जाण जां विधायक दल की बैठक में शामिल होने की बजाय संगरूर में वक्रा प्रोग्राम किया, जिसनों उन्होंने वालों सियासी बादल खुले रखने के रूप में देखा जा रहा है।